received an order from Karan and Company for supply of goods ₹50,000. Earlier, we have discussed that when order is placed or order is received, no entry is to be passed. जब ऑर्डर मिलता है या अपन ऑर्डर देते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, न ऑर्डर देने की न ऑर्डर लेने की। एंट्री किसकी होती है? जो एडवांस में अमाउंट अपन ने पे किया है या हमने रिसीव किया है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है सबका कि जब ऑर्डर देते हैं और लेते हैं तब कोई एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट, received an order from AK and Company for the goods of ₹1 lakh along with a check for ₹25,000 as advance. कितने रुपए की एंट्री करना है? 1 lakh या 25,000 की? Yes, check received from AK and Company. Then check means bank is receiver, bank account debit to AK and Company amount ₹25,000. Bank is receiver, AK and Company is giver of that amount. Paid to staff ₹40,000 against outstanding salary ₹60,000. Outstanding salary paid ₹40,000. When salary is outstanding, then at the end of the year, entry is to be passed salary account debit to outstanding salary at the end of an accounting year. जब year खत्म होता है तब अपन आउटस्टैंडिंग की एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टू बी पेड, देन एंट्री इज आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट एंड पेड बाय कैश टू कैश अमाउंट ₹40,000 पे कितना कर रहे हैं? 40,000 की एंट्री पेमेंट। इज इट क्लियर? टोटल बाकी है 60,000, पर उसमें से आज पे कितना कर रहे हैं? तो जितना पे कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। सॉल्व गुड। हाँ बोलो। क्या मैं तो बता रहा हूं फाइनल है। तो अपन भी तो बनाते हैं अकाउंट, बनाना है अपन को भी क्या? अरे वो तो आगे आगे पढ़ेंगे। अरे आगे बताऊंगा जब अपन को इसको एडजस्ट करना है। एक एंट्री तो मैंने बताई थी एडजस्टमेंट की कि आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी, और अगर कोई अमाउंट बाकी रह जाता है तो उसको अपन को बैंक में जमा कराना होता है। हाँ वही, अभी आगे और करेंगे ना तो उसमें और आएगा। सॉल्व गुड्स टू भारत कैथल हरियाणा एंड पुनीत, वी हैव टू पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत हु इज ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के पुनीत की अपन एंट्री कर रहे हैं। इसने गुड सेल किया हरियाणा वाले किसी बिजनेसमैन को, कौन सा जीएसटी चार्ज होगा? भारत 10,000 आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न्ड बाय भारत बीइंग डिफेक्टिव। पहला तो सेल करने के एंट्री, भारत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी सेलिंग प्राइस 10,000 12% टोटल इज 11,200 आउट ऑफ विच 1/5 गुड्स वर रिटर्न्ड बाय भारत। अब उसने 1/5 गुड्स वापस रिटर्न कर दिया तो उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। किसका 1/5? 10,000 का 1/5 it is 2,000 और उसी का जीएसटी वापस डेबिट
आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट इस 2000 का 12% 240 और यह आ जाएगा 212240। देखो एक बार ये बात क्लियर है क्या? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ये दोनों एंट्री क्लियर है सबकी? नेक्स्ट, चेक रुपीज 20,000 इश्यूड बाय फिरोज मींस वी अर्लियर वी हैव रिसीव्ड चेक फ्रॉम फिरोज डिपॉजिटेड टू बैंक, अर्लियर वी हैव डिपॉजिटेड टू बैंक, नाउ डिसऑनर्ड, वो चेक डिसऑनर हो गया, वापस किसको लौटाएंगे? फिरोज को। फिरोज इज रिसीवर, फिरोज अकाउंट डेबिट, बैंक इज गिवर टू बैंक 20,000। Received 40 paisa and repeat from fees from Firoz against the above dues. अब फिरोज से जो अपन मांगते 20,000 रुपए वो दिवालिया हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, एंड वी हैव रिसीव्ड ओनली 40 पैसा इन रुपी मींस 40%, रिमेनिंग 60% इज बैड डेट। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू फिरोज 20,000, इसका 40% 8,000, ये रिकवरेबल अमाउंट 12,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 12,000। Received a check 25,000 from Mohan after banking hours means this check cannot be deposited to bank after banking hours. It is to be deposited on next day. What entry is to be passed? क्या करेंगे? Check in hand. One account is check in hand account debit. And who is giver? Mohan. Check in hand account debit to Mohan. Amount rupees 25,000. यहां तक क्लियर है सबका? नेक्स्ट, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़, वी आर लिविंग इन दिल्ली एंड वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम चंडीगढ़, जीएसटी सीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी और आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, एंट्री इज परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वरुण ऑफ चंडीगढ़ 10,000, परचेज 10,000, आईजीएसटी 12%, 1200, टोटल इज 11,200। इज इट क्लियर? सेम गुड सोल्ड टू अरुण ऑफ शिमला, कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी? हाँ कैसे बेटा? आईजीएसटी लगेगा ना, दिल्ली और शिमला अलग अलग है। अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी
अब कह रहा है कि टोटल कितने में सेल किया, 22,400 इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें इंक्लूड है जीएसटी। कल अपन ने किया था अलग अलग एक फॉर्मूले से, ये हो गए यहां से, ये वाले एडिट हो गई सारी, हटा दूं। Including GST 12%, it is 22,400. You have to differentiate selling price and IGST. Selling price is 100, IGST is 12. Then total including GST is 112. अलग करना तो क्या करें? 100 upon 112 into 22,400. ये कट गया 200, 220,000. Selling price is 20,000. Sales is 20,000 and it's 12%, 2,400. ये clear है क्या? देखो पहले अच्छी तरह देखो पहले। क्या कह रहे हो? एक मिनट, भैया क्या ये जतिन गुलबानी जो भी है उसको कहना कि टाइम पे क्लास में आए, इसलिए मैं उसको क्लास में ले नहीं रहा हूं। हाँ भाई क्लियर है एंट्री? Arun returned the goods 6720 including IGST which were returned to Varun. पहले तो अरुण से गुड्स आने की एंट्री। गुड्स रिटर्न बाय अरुण, इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू अरुण 6720। पहले इसको अलग करो, 6720 इंटू 100 अपॉन 112, ये कट जाएगा 6, ये हो गया 6000। तो सेल्स रिटर्न 6720, ये तो हो गया सेल्स रिटर्न। सेम गुड्स रिटर्न टू बरुण, परचेज रिटर्न, एंट्री इज बरुण अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंड टू इनपुट आईजीएसटी। अब तो सारे अमाउंट निकालना है, देखो पहले परचेज प्राइस 10,000, सेलिंग प्राइस 20,000, जितने में खरीदा उससे डबल में सेल किया। अगर सेलिंग प्राइस 6,000 है तो परचेज प्राइस क्या होगी इसकी? 3,000। देन परचेज रिटर्न 3,000, 12% 360, टोटल इज 3,360। ये सब ये यहां से एंट्री क्लियर है क्या? देखो 1, 2, 3, 4।
करें आगे। पुनीत परचेज 10 टीवी सेट्स ऑफ 20,000 पर सेट, पेड आईजीएसटी 12%। गुड्स परचेज एंट्री इज परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 12%। 10 टीवी सेट एट द रेट ऑफ 20,000, 2 लाख 24,000 टू परचेज फ्रॉम कुछ नहीं दे रखा तो कैश 2,24,000। सेम गुड्स सोल्ड सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच 25,000 पर सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, सेलिंग प्राइस इज 25,000 इनटू 10 2,50,000 इट्स 6% 15,000 15,000 2,80,000। देखो एक बार क्लियर है क्या, एक बार yes, anything which you want to ask regarding these entries, next insurance premium paid 11,200, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश पीरियड ऑफ 1 ईयर 6% ईच इंक्लूडिंग जीएसटी, अलग अलग करो पहले। 11,200 100 अपॉन 100 12 10,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000, 6% 6% 11,200। कुछ पूछना क्या, देखो सोल्ड पर्सनल कार फॉर रुपीज 1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म, व्हेन पर्सनल कार इज सोल्ड नो एंट्री इज टू बी पास्ड। अगर अपने घर की कार को बेचा, घर का कोई सामान बेचा, उसकी तो कोई एंट्री नहीं, बट सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस मींस कैश अकाउंट डेबिट
goods costing 1 lakh dashed out by fire. Loss by fire account debit to purchase goods costing 1 lakh and it has given goods purchased within the Delhi means we earlier we had paid CGST and SGST 6%. To input CGST to input SGST 1 lakh is 6% 6,000 1 lakh 12,000. But insurance company accepted claim of rupees 75,000. किया अपने पहले कैसे entry? समझाया भी था। तो entry होगी insurance company account debit. Now insurance company is debtor for rupees 75,000. 75,000 and to loss by fire. कितना debit किया था loss by fire 1,12,000. Difference is debited to P&L account. P&L account debit 37,000. एक बार देखो ये बात क्लियर है क्या पहले? मैंने समझाया था जब जनरल एंट्री अपन ने पढ़ा था जनरल तो मैंने वहां पर बताया था कि दो तीन चीजें एंट्री बताई थी पहले जब लॉस होता तब एंट्री जब पूरा इंश्योर्ड होता है इंश्योरेंस क्लेम पूरा एक्सेप्ट हो जाता है तब क्या एंट्री करते हैं तो फिर तब तो अपन ने एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर तो पूरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी को एक्सेप्ट हो जाता और हमारा लॉस ही नहीं होता। फिर मैंने ये कहा था कि अगर पार्टली इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया क्लेम तो जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है वो हमें बियर करना होता है और हमें बियर करना होता है तो साल के आखिर में उस लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको अपन बोलते हैं P&L अकाउंट। यानी 1,12,000 का जो टोटल लॉस है उसमें से इंश्योरेंस कंपनी तो बियर करेगी 75 और बाकी जो 37,000 है वो हमें बियर करना है। इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बात? फिर देखो क्या दे रखा है। परचेज मशीनरी फॉर 56,000 इंक्लूडिंग 6,000 IGST। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट पेड कार्टेज 5,000 वो भी मशीनरी में डेबिट 5,000 एंड प्लस 5 + 10 = 65,000 IGST 6,000 एंड टू कैश 71,000। देखो क्लियर है क्या ये बात? बस दो ही क्वेश्चन और कराने हैं जीएसटी से रिलेटेड फिर अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है अब मंडे को होगी अपनी क्लास। ओके।